वो तो उसका कहने का मतलब है कि हमारी चलना चाहिए। आजा भाई, मेरे पिताजी घुटनों की वजह से चल फिर नहीं पाते में असमर्थ है, जिसकी वजह से वो मेरे अपने गेट पर कुर्सी पे बैठे हुए थे। तभी एक हिस्ट्री सीटर गुंडा और दबंग टाइप का व्यक्ति भूरा और राजकुमार अवस्थी आ गया और उसने पिताजी से कहा कि आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और कुर्सी भी तोड़ दी जाएगी, दोबारा तुम कुर्सी पर बैठने लायक नहीं बनोगे बचोगे, क्योंकि हमारी जाति ब्राह्मण है और आप लोग लोधी जाति से ताल्लुक रखते हो, तो आप हमारी जाति के सामने कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, नहीं तो आपके पूरी परिवार को समझ लो कि काट के पानी में फेंक दिया जाएगा, ये धमकी दी है उसने। आप क्योंकि वो हमें नीची जाति के मानते हैं, वो अपने आप को श्रवण वो ब्राह्मण मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं निकलूंगा तो यहाँ कोई कुर्सी पर नहीं बैठेगा मेरे सामने। गांव की और अन्य लोगों के साथ यही व्यवहार करता है। हाँ हाँ, उसको सब हर उसको सिर्फ अपनी बिरादरी छोड़ के हर बिरादरी से घृणा रहती है। वो सिर्फ ये समझता है कि मेरी यहाँ दमंगई चले और मेरी बिरादरी की बराबरी पे कोई आना पाए ना बैठ पाए। धमकाया पूरे परिवार को मारने की धमकी दी है, जिसका आईडियो वीडियो दोनों हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट कह रहा है कि हम बांध के लाएंगे और रात भर यहाँ डालेंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, ना कोई बचाने आ पाएगा, ना कोई पुलिस विभाग से, ना कहीं पे कुछ कोई कर पाएगा, हमारे सामने किसी की भी नहीं चलती। हम लोगों को बहुत डर है, इसलिए हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ पर आए थे कि हमको सुरक्षा दी जाए,
या तो हमें अंदर कर दिया जाए या फिर उसको जेल में डाल दिया जाए, नहीं तो किसी की भी हत्या हो सकती है किसी भी वक्त हमारे परिवार की। इससे पहले आपके जो है समाज के कुछ लोगों को भी कई बार उन्होंने समाज के लोगों को कई बार मारा पीटा, हाथ गोड़े भी तोड़ दिए कई लोगों के, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आज हमने पहली बार हिम्मत की है कि मरना पसंद करेंगे लेकिन ये नहीं सब होगा। क्या उम्मीद करते हैं? अब हम आए हैं प्रशासन से ही तो उम्मीद है, यहाँ से ऊपर तक ये भी बाबा भी कहते हैं कि सब लोगों के साथ एक सा व्यवहार होगा, कहाँ व्यवहार हो रहा है। देखिए अब पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ी लिखी सोच रखते हैं क्योंकि संविधान में हमने पढ़ा है सभी को समान अधिकार है, लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग दबंग टाइप के और वो आज भी वही पुरानी सोच रखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं आप और पिछड़ी जाति हो तो हमारी बराबरी पे नहीं आ सकते हो। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा सताया जा रहा है कि हम उनके नीचे काम नहीं कर रहे ना उनकी गुलामी कर रहे। सामंतवादी सोच है उनकी कि पहले जैसा चलता था कि मतलब हम लोगों को प्रणाम करो ये सब करो, हम आए तो उठो बैठो ये सब करवाना चाहते हैं, तो हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग नई पीढ़ी में हैं और हमें पढ़ाया भी यही सिखाया जाता है कि किसी के सामने मत झुको, झुकना है तो माँ बाप के सामने झुको बस। घुटनों से परेशान हूँ तो अपने दरवाजे पे कुर्सी पे बैठा रहता हूँ। एक भूरा राजकुमार अवस्थी निकलता है तो कहता मेरे सामने अगर तू कुर्सी पे बैठा मिलेगा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब मैं साहब परेशान हूँ उससे। क्या कौन सी बात कहते हैं और कुछ कहते हैं क्या वो आपकी? वो सब कहते हैं कि अगर तूने मेरी रिपोर्ट की कुछ शिकायत की तो मैं तेरे और परिवार को नष्ट कर दूंगा, तेरे लड़कों को हार खेत में न जाने दूंगा, मिल जाएंगे तो वही मार डालूंगा। फिर तुम उससे राजीनामा के लिए खुद ढूंढता फिरेगा और ना करेगा मैं दूसरा लड़का मार दूंगा। कुर्सी में बैठने से अब उसकी मानसिकता है साहब कि हम मतलब पिछड़ी जात के हैं, वो बड़ा ब्राह्मण है। अभी कहाँ आए हैं? डीएम साहब के यहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि साहब हाँ चार यहीं रख ले और चाहे उसका कहूंगा ऐसा रख दें कि हमारे पर हमें परेशान ना करें। क्या लग रहा है गाँव में? डर लग रहा है? डर लग रहा है साहब हमको तो, ये लग रहा है कि अगर हमारे लड़के बच्चे मारे गए तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग दबंग टाइप के लोग हमारे पिताजी जो बुजुर्ग हैं उन्हें कुर्सी पर बैठने से मना करते हैं और जातिगत मामला बताया, लेकिन ये जानकारी हमारे में आई है, वो ये जानकारी मैं जिलाधिकारी महोदय को बता दूंगा।